नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव में 1 बजे तक वोटिंग हुई और वोटिंग का प्रतिशत कुछ ज्यादा नहीं रहा है, 59% रहा है वोटिंग का। 17,249 पूरी वोटिंग है और उसके अंदर 10,272 वोट्स किए हैं, यानी कि इतनी वोटिंग हुई है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, एग्जिट पोल्स जितने भी आ रहे हैं, उन सब में अरविंद सिंह भाटी को एक नजदीकी बढ़त के साथ जीतता हुआ बताया जा रहा है। आप दैनिक भास्कर का भी ओपिनियन पोल आया है जिसमें 45% अरविंद सिंह भाटी और वहीं 43% हरेंद्र और बाकी जो है राजवीर सिंह पाता को दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं, और जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स वाले हैं, वो लगभग लगभग एक करीबी बढ़त बता रहे हैं और जीत का अंतर 100 से 200 के बीच में, 300 के बीच में बता रहे हैं। अब ये तो कल ही पता लगेगा हरेंद्र चौधरी जीतते हैं या अरविंद सिंह भाटी जीतते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स जो है, चाहे वो कोई से भी एग्जिट पोल्स हो, वो अरविंद सिंह भाटी की बढ़त दिखा रहे हैं और काफी नजदीकी टक्कर बता रहे हैं दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि आज बहुत जो घटनाक्रम चला, रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे अरविंद सिंह भाटी हो, मोती सिंह जोधा हो, चाहे वो एबीपी से राजवीर सिंह बाता हो, इन सब ने वोटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि फर्जी वोट डाले गए हैं बहुत सारे, इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। अब इन आरोपों में कितनी सत्यता है? राजवीर सिंह ने मीडिया के सामने बात करते हुए, पुलिस के सामने बात करते हुए कहा था कि मैं जिसको मैंने पकड़ा है उसको सामने ला सकता हूं, मैं दिखा सकता हूं, इतनी तक बात कही थी। रविंद्र सिंह भाटी हो, चाहे अरविंद सिंह भाटी हो, मोती सिंह जोधा हो, सबने वोटिंग को लेकर आशंकाएं जताई थी न्यू कैंपस के अंदर। अब जिस तरीके से आज वोट्स हुए हैं, कहीं ना कहीं एक जो डिले हुआ, अब कॉलेज प्रशासन पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है, लेकिन एक जो वोटिंग बंद करवाने की जो एक प्रक्रिया होती है उसमें थोड़ा डिले हो गया, उसमें लेट हो गया थोड़ा सा, उसको लेकर भी लोग यही आशंका जता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन ने ऐसा क्यों किया है, उनको लेट क्यों हुआ है, और जिस तरीके से आंकड़े जारी करने में उनको लेट हुआ और जो वोटिंग बंद करने में लेट हुआ, ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। तो कहीं कहीं ये सारी बातें चली आज, और रविंद्र सिंह भाटी आश्वस्त है, उन्होंने कहा कि अरविंद सिंह भाटी काफी ज्यादा मतों से जीतेंगे, वहीं हरेंद्र चौधरी हैं वो भी अपनी तरफ से आश्वस्त हैं और राजवीर सिंह बाता वो भी अपनी तरफ से आश्वस्त हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है, लेकिन ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल में जिस तरीके से हरेंद्र चौधरी और अरविंद सिंह भाटी के बीच में एक कड़ी टक्कर बताई जा रही है, और किसी में 2%, किसी में 5%, किसी में 7% अरविंद सिंह भाटी को बढ़त के रूप में दिखाया जा रहा है, यानी कि अरविंद सिंह भाटी की जीत बताई जा रही है। अब ये तो कल ही पता लगेगा, जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं सारे के सारे हमने देखे हैं। तरीके से कॉमर्स फैकल्टी में भी काफी अच्छी वोटिंग हुई है, केएन कॉलेज में बहुत जबरदस्त वोटिंग हुई है। कहीं ना कहीं केएन कॉलेज बहुत बड़ा डिसाइडर हो सकता है इस चुनाव के अंदर। केएन कॉलेज की तरफ से जो वोटिंग हुई है वो एक बहुत बड़ा मैटर करेगा, और सारी जो फैकल्टीज है, साइंस फैकल्टी में काफी अच्छी वोटिंग हुई है, आर्ट जो फैकल्टी है उसमें भी जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई है। तो ये 4-5 जो है, और इवनिंग जो क्लासेस फैकल्टी है उसके अंदर भी बहुत बम्पर वोटिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं इन 4-5 जो गए हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन केएन कॉलेज कहीं ना कहीं डिसाइडर होगा, एक जो सबसे बड़ा मैटर करता है। पिछली बार भी कहीं ना कहीं केएन कॉलेज ने मैटर किया था चुनाव के अंदर, गर्ल्स कॉलेज है केएन कॉलेज, और कहीं ना कहीं अब जो कल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वो देखने लायक होंगे, और किस तरीके से कौन जेएनयू का नया अध्यक्ष बनता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के लिए लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।